नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पहले विपक्षी दलों के सांसदों ने गौतम अडानी और संविधान के मुद्दे पर विरोध किया तो विपक्षी सांसद काला मास्क पहनकर पहुंचे थे। इसके बाद राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने बताया कि एक सीट पर नोटों की गड्डी मिली। ये गड्डी सफाई कर्मियों को सीट नंबर 222 पर मिली है, जो कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। इसके बाद से सदन में जमकर हंगामा हुआ। सभापति ने कहा कि एक गड्डी 500 रुपए के नोटों की है और ऐसा लगता है कि इसमें जो है 100 नोट है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि ये स्पष्ट नहीं है कि नोट असली है या नकली है। तो आज वही हम इन सबके बीच आइए जानते हैं कि जिस नोटों की गड्डी को लेकर इतना बड़ा हंगामा हुआ, उसको लेकर संसद में क्या नियम है, सांसद कितना पैसा लेकर जा सकते हैं, किन चीजों को सांसद में लेकर जाने की मनाही है। नोटों की गड्डी मिलने पर भले ही सभी नेता हंगामा कर रहे हों, लेकिन इसे लेकर कोई नियम नहीं है। कोई भी सांसद जितने चाहे उतने पैसे लेकर सदन के अंदर जा सकता है। संसद भवन के अंदर खाने पीने की दुकानें और बैंक भी हैं। कई नेता इस बैंक से पैसे निकालते रहते हैं। ऐसे में सांसद के अंदर नोट ले जाना नियमों के खिलाफ नहीं है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि आज डिजिटल जमाना है और कोई इतने सारे नोट लेकर नहीं चलता है, इसकी जाँच होनी चाहिए। तो ऐसे में सभापति धनखड़ ने भी इस बात पर हैरानी जताई कि इन पैसों पर किसी ने दावा नहीं किया। आगे ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि कोई इन नोटों पर दावा करेगा, लेकिन अभी तक किसी ने दावा नहीं किया है। उन्होंने कहा, क्या ये अर्थव्यवस्था की उस स्थिति को दर्शाता है जिसमें लोग नोटों की गड्डी को भूल सकते हैं? व्यक्तिगत सामान ले जाने पर क्या है नियम? सांसदों को निजी सामान जैसे छोटा पर्स या आवश्यक व्यक्तिगत सामान वाला बैग ले जाने की अनुमति है, जब तक कि ये सदन के कामकाज को प्रभावित ना करें। महिला सांसदों को हैंडबैग ले जाने की अनुमति है, मगर इस शर्त पर कि इसका इस्तेमाल सिर्फ निजी काम के लिए हो। बटुआ या छोटे बैग ले जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, बेशर्ते ये चल रही कार्रवाई को बाधित ना करें। सांसद संसद में क्या ले जा सकते हैं? दस्तावेज, विधायी कामों के लिए जरूरी कागजात, नोट्स, रिपोर्ट या बिल ले जाने की अनुमति है। भाषण के पेपर, बहस या चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार किया गया भाषण का पेपर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, पहले से अनुमति के बाद सांसद मोबाइल फोन, टैबलेट और लैपटॉप अपने साथ ले जा सकते हैं। जलपान, कार्रवाई के दौरान पानी और हल्के नाश्ते की अनुमति है, क्या ले जाने पर मनाही है। अशोभनीय या अनुचित सामग्री, सदन या उसकी कार्रवाई के लिए अपमानजनक समझी जाने वाली कोई भी चीज ले जाने की सख्त मनाही है। प्रदर्शन सामग्री, विरोध प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली तख्तियां, पोस्टर या बैनर जैसी वस्तुएं संसद के अंदर नहीं ले जाई जा सकती हैं। बड़ी मात्रा में नकदी, नकदी के बंडल खासकर से बड़ी रकम ले जाने की सख्त मनाही है। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, बिना अनुमति के रिकॉर्डिंग या तस्वीरें लेने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों को संसद के अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए जुड़े रहें पंजाब केसरी के साथ।